This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. और ये वो दिन है जो परमेश्वर ने बनाया और हमें दिया है. होने दें, हम इसमें आनंदित हों और प्रसन्न हो जाएं. My friends, be grateful to God because in His faithfulness and mercies He has extended our lives to this day. और मेरे मित्रों, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहें क्योंकि अपने विश्वास योग्यता और दया में उसने एक और नए दिन को हमें दिया है. So let us fill our ears and our minds with the voice of heaven before we start hearing all the voices of this world. और होने दे आज के दिन हम अपने कानों को और अपने हृदयों को परमेश्वर के वचन से भर ले, इससे पहले कि हम संसार की दूसरी वाणियों से खुद को भरें. For today's meditation, let me read first from the Gospel according to Saint Matthew, chapter 3, verse 17. और आज के मनन के लिए पहले मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय 17वें वचन से. And a voice from heaven said, "This is my son, whom I love; with him I am well pleased." और देखो ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ. And then from the Gospel according to Saint John, chapter 17, verse 24. और उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 24वां वचन. Here Jesus is praying. और यीशु यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है. Father, I want those you have given me to be with me where I am and to see my glory, the glory you have given me, because you loved me before the creation of the world. हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को जो तूने मुझे दी है देख सके, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले ही मुझसे प्रेम रखा. There is one more scripture passage which is a little long. और एक और वचन है जो थोड़ा बड़ा है. And it will be read in Hindi by Pastor Mahim. और हिंदी में मैं इसे पढूंगा. Gospel according to Saint John chapter 16 verses 23 to 28. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसी का 16वां अध्याय 23वें वचन से लेकर के 28वें वचन तक इस प्रकार लिखा है. उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा. अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा. मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए. मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खुलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊँगा. उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया. मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ. मैं फिर जगत छोड़कर पिता के पास जाता हूँ. Okay, you put all these three references together. और आप इन तीनों वचनों को एक साथ अगर रखें, there is one message coming out clear. तब एक संदेश बड़े स्पष्ट रूप से निकल कर आता है. We have become the objects of the love of an eternal God. कि हम सब एक अनंत काल का जो परमेश्वर है, हम सब उस परमेश्वर के अनंत प्रेम की वस्तुएं बन चुके हैं. And the reason God Almighty loves us. और वो कारण कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे प्रेम करता है. Is that we have chosen to love Jesus Christ, His Son, whom He sent into this world. और वो कारण ये है क्योंकि हमने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया, जिसे उसने इस संसार में भेजा. And so because we love Jesus, और इसलिए क्योंकि हम यीशु से प्रेम रखते हैं, because of Jesus, और यीशु की वजह से, God the Father loves us, और परमेश्वर पिता हमसे भी प्रेम करता है. And because the Son is the center and object of the Father's love. क्योंकि ये पुत्र ही परमेश्वर पिता के प्रेम और उसकी महिमा का मध्य है. The Father loves His Son and puts all things under His feet. और पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है और उसके चरणों के नीचे हर एक बात को कर देता है. Everything is under him and in his hand. और हर एक बात उसके पैरों के तले है और उसके हाथों के नियंत्रण में है. And then the same gospel chapter 3 verse 31 says, और यूहन्ना के ही सुसमाचार और तीसरे अध्याय और
31वें वचन में This is what we read there. इस बात को हम वहां पर देखते The one who comes from above और वो जो ऊपर से आता है is above all. वो सारी बातों के ऊपर है And the one from the earth is earthly. और वो जो इस संसार से है सांसारिक है And speaks in earthly terms. और सांसारिक तरीके से ही बात करता है Now in Hebrews we find the letter of the author of the book of Hebrews says और इब्रानियों की पुस्तक को लिखने वाला इस प्रकार कहता है this Jesus कि यही यीशु after accomplishing the work of salvation उद्धार के कार्य को पूरा करने के पश्चात went back to his father अपने पिता के पास गया and he sat down at the right hand of the majesty on high और अपने परमेश्वर की पिता के उस दाहिने हाथ की ओर जाकर बैठ गया अपनी महिमा What does this mean? इसका क्या मतलब है? It means he has all authority. इसका मतलब यह है कि सारा अधिकार उसी का है. Over every bit of God's creation. परमेश्वर की हर एक सृष्टिकर्ता हर एक वस्तु के ऊपर. Now that creation includes. और इस सृष्टि में हर एक बात आती है. The universes. जो कि है संसार और ब्रह्मांड. The angels. स्वर्गदूत. And seraphim और वो अलग अलग प्रकार के स्वर्गदूत and cherubim और वो रक्षा करने वाले स्वर्गदूत and also earth and man और ये पृथ्वी और मनुष्य demons और दुष्ट आत्माएं principalities सारे and powers अधिकार और सारी जातियां and all authority और सारे अधिकार And then the Bible also makes it clear he raises the nations and put them down as well. और वचन इस बात को भी बड़ी स्पष्ट रीति से बताता है कि वो देशों को राज्यों को खड़ा करता है और फिर उन्हें गिरा देता है. He is sovereign God. और वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. He does what he wants to do. और वो जो करना चाहता है वो करता है. And none can ask him What are you doing? और कोई भी उससे ये सवाल नहीं पूछ सकता कि ये तू क्या करता है But today, लेकिन आज के दिन we have come to a place and time हम एक ऐसे स्थान और समय पर आ पहुंचे हैं that is possibly one of the most delicate times और जो कि संभवतः ही सबसे कठोर सबसे नाजुक समय है delicate times in the history of many nations including India एक नाजुक समय कई देशों को देखते हुए और जिसमें भारत भी सम्मिलित है Why? क्यों यू लुक अराउंड आप अपने चारों ओर देखें What do you see? आप क्या देखते हैं The Bible, the word of God is pushed out. वो वचन परमेश्वर का पवित्र शास्त्र को बाहर निकाल दिया गया Christ has been dethroned. और परमेश्वर को यीशु को उसकी स्थान से हटा दिया गया And है in his place, men have been exalted. और उसके स्थान पर मनुष्यों को ऊंचा उठाया जाता है And in our own country, और हमारे ही देश में animals have been exalted above human in our value system. हमारा जो सामाजिक तंत्र है उसमें जानवरों को मनुष्य से ऊंचा उठा दिया गया This is an international problem. और ये तो एक वैश्विक समस्या है Therefore, और इसलिए I urge you, dear friends, और मैं इसलिए आपको अनुरोध करता हूँ मेरे प्रिय मित्रों you and I are people of God. हम और आप परमेश्वर के जन हैं And we must spend much time and set our faces before God. और इसलिए हमें और समय परमेश्वर के संग उसका मुख निहारने में बिताना है pleading with him that his will be accomplished in our nation और इस बात की गुहार लगाते हुए कि उसकी इच्छा हमारे देश भारत में पूरी हो जाए in our states and in our cities and villages हमारे राज्यों में हमारे शहरों में हमारे गांवों में that our nation be kept from things that would dethrone The Son of God. और हमारा ये देश उन बातों से बचाया जाए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उसके सिंहासन से हटाती Why? क्यों? Because he alone paid the terrible yet wonderful price for the salvation of every person in India क्योंकि and in the world. उसी ने उस भयानक लेकिन साथ ही साथ एक अद्भुत और सुंदर बलिदान को दिया ना केवल भारत लेकिन पूरे विश्व के मनुष्यों के लिए How is our people going to know about Jesus? और कैसे हमारे लोग इस यीशु के बारे में जानेंगे This will happen when Jesus Christ is exalted and magnified in and through the worship by his people
of our God. और ये तो तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया जाएगा उसकी आराधना और महिमा में उसके लोगों उसके दासों के द्वारा. He becomes preeminent in our lives, in our faith. And in our worship. और वो हमारे जीवनों में हमारे विश्वास में हमारे कार्यों में हमारे संग और हमारे संग रहने वाला और चलने वाला परमेश्वर. And through the worship, और उस आराधना के द्वारा he is exalted. उसका नाम ऊंचा उठाया जाता है. He is magnified. और वो महिमामय हो जाता है. And he is lifted up. और वो ऊंचा उठाया जाता है. And when that happens, और जब ऐसा होता है the mission of the church will be accomplished. तब कलीसिया का लक्ष्य पूरा हो जाता है. And here is the secret, my friend. और यहाँ पर एक गुप्त बात है मेरे मित्रों. Exalt him and lift him up. उसको ऊंचा उठाएं और उसकी आराधना करें. Worship is all about Jesus Christ. आराधना तो सिर्फ इसी यीशु के बारे में है. It is not about us. ये तो हमारे बारे में नहीं. It is him and he alone. ये तो सिर्फ वही है और एकमात्र वही. So let this be our one desire in life. और होने दे यही हमारे जीवन का एकमात्र इच्छा हो. Somehow, किसी तरीके से Jesus Christ must be glorified and magnified in me and through me. कि किसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह मेरे द्वारा और मेरे भीतर महिमा पाए और ऊंचा उठा दिया जाए. Through the worship of God. और परमेश्वर की आराधना के द्वारा. Hallelujah. Hallelujah. Blessed Holy Spirit. और आशीषित पवित्र आत्मा. For this we need you. इसके लिए हमें आपकी आवश्यकता है. That we may worship you in spirit and in truth and in the beauty of holiness. ताकि हम तेरी आराधना पवित्रता सुंदर और तेरी उस परिपूर्णता में करने पाए. Let the world who hears us, और होने दे वो संसार जो हमें सुनता है. Let them recognize that our God is a holy God. उन्हें इस बात को समझने पाए कि हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है. He is exalted above all. और हर एक बात के ऊपर वो ऊंचा है. Fill us all with your spirit. अपनी आत्मा से हम सबको भर दे. That we may exalt your name. ताकि हम तेरे नाम को ऊंचा उठाएं. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. Dear friends. मेरे प्रिय This is a wonderful day. और एक अद्भुत दिन है. This is a great day. और एक महान दिन. Enjoy your life. अपने जीवन का आनंद लें. Live your life. अपने जीवन को जिए. And glorify God. और परमेश्वर को महिमा दें. You begin with the worship. और आराधना से शुरू करें. Continue that worship through the day. और पूरे दिन उस आराधना से करते रहें. And at the end of the day. और दिन के अंत में. Worship him. उसकी आराधना करें. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष. Amen. Amen.